आज हम चना मटर और मोठ और हरे मटर और अंडे की बहुत ही शानदार रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौरसिया, आप देख रहे हैं जिया किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये हमने चना मटर और मोठ को रात में भिगो कर रख लिया था। कम से कम 12 घंटे हमने पानी में भिगो कर रखा था। और देखिए, एक कटोरी हरी मटर और 3 अंडे हैं। अब हम इन सभी को इस मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे। हरी मटर और सभी को अच्छे से एक पेस्ट इनका बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं आधा आधा करके इनको डाल लेता हूँ, उसमें थोड़ी सी हरी मटर भी डाल लेता हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च। दोस्तों, मैंने इसमें 3 छोटी छोटी मिर्चें डाल दी है और 1 लहसुन की कली डाल दी है। और थोड़ा सा इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया। और अब हम इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने इसका पेस्ट भी बना लिया। इसी तरीके से हम सारे मटर, मोठ और चने का पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से ये बना लिया है पेस्ट। और अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे हल्दी आधी चम्मच के करीब, और लाल मिर्च पाउडर भी हम डाल देंगे आधी चम्मच, और 1 चम्मच करीब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल देता हूँ। अब इसमें आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच हमने डाल दिया है नमक। और अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे सभी मसालों को, इस पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये अच्छे से अब मिक्स हो ही चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे अंडे। तो दोस्तों, मैं अभी इसमें 3 अंडे इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो 1 कप पर 2 अंडे डालना चाहिए, लेकिन मेरे पास 3 ही उपलब्ध थे तो मैं 3 ही डाल रहा हूँ। तो ये देखिए, हमने इसमें 3 अंडे फोड़कर हम डाल रहे हैं। और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है, गजब का बनता है। वैसे तो बच्चों को यदि हम ये अंकुरित चना मटर आदि हम देते हैं तो ये खाने में नाटक करते हैं, उनको टेस्ट नहीं आता। लेकिन आप इस तरीके से उन्हें बना कर दोगे तो कभी मना नहीं कहेंगे, और आप जब भी बना कर दोगे बड़ी टेस्ट से खाएंगे। तो चलिए, अब हम एक पैन ले लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इस तेल को पैन में अच्छे से फैला देता हूँ। ये हमने इसमें फैला दिया है पैन, और अब पैन गर्म हो चुका, गैस चालू कर दिया। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बैटर डालेंगे, मतलब आप इस हिसाब से डालना है कि इसमें अच्छे से फैल जाए और एक ये इस तरीके का रोटी जैसा एक शेप ले ले, गोल एकदम। तो अब हम इसे फ्लेम को मीडियम करके थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, और अब हम इसे देखेंगे कि अच्छे से पका है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि एक स्पैचुला ले लेंगे इस तरीके का, और हम देखेंगे कि नीचे से कहीं टूट तो नहीं रहा है ना, ये नीचे से अच्छा सा पक गया है। और अब हम इसे पलटेंगे। पलटने के लिए हमने रख दी इसके ऊपर प्लेट, और इसको पलट दिया है। और अब इसका कलर देखिए, बहुत अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसमें थोड़ा इसे डाल देते हैं। तो आप 2 से 3 मिनट आपको इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और अच्छे से ये पक जाएगा। ये देखिए, हमने इसे 4 मिनट और पकाया है, और ये शानदार नाश्ता बनकर तैयार होगा। चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। बहुत बहुत धन्यवाद।